अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अभी मैं गाँव आया हूँ अपने बर्ड्स के लिए ना, वो सूखी घास लेने के लिए, वो उनके नीचे डालने के लिए, ताकि वो जो है सही रहें, यानी कि सर्दी वगैरह उनको लगे गर्म रहें। तो अभी मैं जा रहा हूँ गाँव, तो वो सामने हवेली है, तो जिधर से मैंने घास वगैरह लेनी है, तो उधर चल के आपको भी साथ में शो करवाते हैं, दिखाते हैं। ये जी घास अभी ये थोड़े में डाल के थैले में, तो अभी चलते हैं घर। ये जो है ना परिंदों के लिए काफ़ी अच्छी है, इनको गर्म रखने के लिए, तो अभी इसको थोड़े में डालते हैं, तो फिर इसको घर लेके चलते हैं हम लोग। ड्राइविंग अब जो है वो अहमद का आ रहा है, ये पीछे हमने थैला रखा है, तो अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो घर पे मैं पहुंच गया हूँ। ये हमारी जो है वो घास पड़ी हुई है, अभी इसको थोड़े से निकाल के हम जी ये सारी घास हमने बाहर निकाल ली है, तो अभी इसको थोड़ा सा धूप लगवाते हैं थोड़ी सी ना, ताकि ये थोड़ी सी खुश्क हो जाए। तो दूसरा वो जो उधर शीट पड़ी हुई है ना ये ग्रीन, इसको भी मैं धूप में रखता हूँ ताकि ये भी खुश्क हो जाए। फिर इसको फोल्ड करके तो हम अंदर रख देंगे, ताकि फिर आगे हमारे काम है कि गर्मियों में, तो इसलिए जो है बाकी जो है ना बर्ड्स वगैरह उनको मैंने सुबह ही दाना पानी कर दिया था। पिजन्स वगैरह को भी मैंने जो है ना वो बाहर निकाला हुआ था, तो घूम फिर लिया था उन्होंने, तो बंद किए हुए थे मैंने। तो बाकी अभी इनको फिर दोबारा निकाल देते हैं, अगर दिल किया तो निकालेंगे, नहीं तो इनको ठहर के निकालेंगे। बाकी जो है ना ये चिली मिली को मैंने इधर बंद किया है, मैं इस टाइम इधर बंद कर देंगे, रात को जो है ना हम इनको अंदर बंद कर देंगे। तो उसके बाद जनाब ये देखें आप लोग, वाइट सिल्की जो है ना मैंने इधर बंद कर दी है, ताकि इनको आदत पड़ जाए इधर ही क्या नाम लेते हैं डक्की गैंग के साथ रहने की, क्योंकि कल मेल जो है ना वो कूंज को भी मार रहा था और इनके साथ भी झगड़ा कर रहा था, तो ये मैंने इसलिए इधर बंद किए हैं ताकि इनको इधर आदत पड़ जाए इधर रहने की एक दूसरे के साथ। बाकी सुल्तान हमारा ये रहा अपनी डाइट का वेट कर रहा है, तो डाइट इसकी मैं ले के आया हूँ। तो सुल्तान की डाइट जो मैं ले आया हूँ वो उधर पड़ी हुई शापर में, भी इसको थोड़ी देर तक देते हैं, क्योंकि वो फ्रीज़ की हुई है, इसलिए थोड़ी सी वो होती है ना यानी कि नॉर्मल अपनी हालत में आती है, तो फिर अपने सुल्तान को डाइट भी देते हैं। तब तक मैं थोड़ा सा ये काम कर लूँ, तो साथ आपको भी मैं दिखाता हूँ। दोस्तों जो है ना मैंने घास को ये देख लें इस तरह बिछा के डाला धूप में, ताकि इसको हवा वगैरह लग जाए और खुश्क हो जाए, ये देख लें आप लोग। अभी ये जो ग्रीन शीट है इसको भी मैं इधर धूप में ले के आता हूँ, तो माशाल्लाह से हमारी जो फियोना है वो इस टाइम नीचे घूम रही है। तो आप सोच रहे होंगे जैक नज़र नहीं आ रहा, तो मैं बताता हूँ आपको थोड़ी देर तक कि जैक किधर है हमारा, ठीक है। देख लें आप, जैक नज़र आ रहा आपको, कोई नहीं ना आ रहा, ये फियोना ही अकेली घूम रही है नीचे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर तक कि जैक हमारा किधर है इस टाइम, ठीक है, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना। और दूसरा ये कि आपने अगर इस तरह का कोई भी काम करना है इस तरह का, इसमें भी धूल वगैरह मिट्टी वगैरह डस्ट है और इनके छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, तो इस तरह का जब भी आपने कोई काम करना है तो मास्क वगैरह आपने लाजमी यूज़ करना है, या केज का कोई भी आपने काम करना है तो आपने मास्क वगैरह जो है ना वो लाजमी आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो उसके बाद जो केजेस मैंने कवर करने हैं ना साइडों से, ये मैंने तोड़े लिए हैं, कुछ लोग इसको थैले भी बोलते हैं, कुछ लोग जो है ना ज़ुबान में क्या नाम लेते हैं तोड़े भी बोलते हैं। उसके बाद ये वायर है मेरे पास, जिसकी मदद से हम इसको यानी कि टाइट करेंगे जाली के साथ, और एक अदद जो है ना हमारे पास कैंची है, इस कैंची की मदद से हम इसकी कटिंग वगैरह करके तोड़े थैले जो भी आप कहते हैं अपनी ज़ुबान में, तो कि जिसके साइडों पे लगाएंगे, तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा साथ साथ इनकी कटिंग करके कि कैसे लगाने हैं।
क्योंकि जिन भाइयों ने बर्ड वगैरह रखे हुए हैं, अब सर्दी चल रही है तो उनको पता चल जाएगा आसानी से कि ये तोड़े वगैरह थैले वगैरह आप साइडों पे लगा के कैसे अपने बर्ड्स को जो है ना सर्दी से आप बचा सकते हैं और कैसे आप केज जो है और अपने परिंदे हैं वो कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये जो घास है ये भी मैं आपको बताऊंगा ये कैसे इस्तेमाल करनी है, तो इसलिए आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। तो देख लें आप लोग, ये मैंने कवर कर दिया थैले जो भी है तोड़े लगा के, इनको कटिंग वगैरह करके ना मैंने तोड़े की डाल दूँ डाइट सबर कर ले थोड़ा सा, तो ये तोड़े लगा के मैंने देख लें घर पे कवर कर लिया। इसको आपको दिखाता हूँ अंदर से भी, ये देखें एक पीछे मैंने तोड़ा लगा दिया और ये देखें सारी साइडों पे लगा दिया, भी नीचे जो मैंने ये बाहर घास डाली हुई है ना धूप में, तो ये इधर बिछाएंगे इसके अंदर ताकि मुर्गियाँ जो हैं वो हमारे बर्ड जो भी हैं वो नीचे से गर्म रहें, बिस्तर उनको गर्म मिले, फुल माहौल मिले। और थोड़ा सा हम जो है अपने ये डकी गैंग के अंदर इधर डाल देंगे घास वगैरह जो है वो भी, यानी कि गर्म रहे, यानी कि उनको रात को सर्दी ना लगे। ये जो केज है ये मैंने ये नीचे वाला पोर्शन जो कवर किया ये इधर मैं अपनी वाइट सिल्क की जो हैंड्स हैं उनको बंद करूँगा, और ये जो नीचे है ना ये वाला पोर्शन इधर हम अपने डकी गैंग को बंद करेंगे। ठीक है, तो बाकी डकी गैंग इस टाइम हमारा ये इधर घूम रहा है, अभी इसको मैंने बाहर निकाला हुआ है, छत की सफाई हो रही है, इस वजह से मैं सफाई हो जाए फिर ये इधर ही पक्के रहेंगे वाइट सिल्क की भी इधर। तो बाकी ये बारिश की वजह से गीले हुए थे तो ये मैंने अभी धूप में डाले हुए हैं ताकि ये भी खुश्क हो जाएँ, फिर इनको वापस इनकी जगह पर रख के तो वो जो नेस्ट मटीरियल है घास वगैरह वो भी हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो साथ साथ मैं आपको दिखाता जाऊँगा। तो फाइनली दोस्तों जो है ना मैंने कवर कर दिया, और दूसरा ये कि मैंने घास वगैरह जो वो भी उसके अंदर जो है ना वो डाल दिया केजेस में, तो ये देख लें आप लोग, मैं क्लीन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें माशाल्लाह से आप, ये केजेस के अंदर मैंने घास डाल दिया अपनी जो सिल्की हैंड्स हैं, और दूसरा ये अपने डकी गैंग वाले केज में भी मैंने घास वगैरह डाल दिया ताकि ये नीचे से गर्म रहे, इनको हीट वगैरह नीचे से मिलती रहे, इनको सर्दी ना लगे। ठीक है, और दूसरा ये जो बॉक्स एग वाले उनमें भी मैंने ये देखें घास रख दी है, नेस्टिंग मटेरियल वगैरह ये इधर डकिंग गैंग और जो हमारी हैंस वगैरह ना वो हमारी हैंस जो है वाइट सिल्क की वो इधर अंडे वगैरह ले करेंगे, और डकी गैंग भी जो है इधर अंडे वगैरह हमारे ले करेंगे, काफ़ी यानी कि सॉफ्ट जगह हो गई है। तो आप ऐसे जिन भाइयों ने बर्ड्स रखे हुए हैं, मुर्गियाँ वगैरह बत्तख वगैरह कुछ भी रखा हुआ है, तो आप नेस्ट के लिए ना इस तरह के घर पे बॉक्स बना सकते हो। ये जो है ना पेटियाँ जिसको हम क्रेट भी कहते हैं, फ्रूट वाली जो पेटी होती है, ठीक है, आप ये किसी भी फ्रूट शॉप से लेके इस तरह उसको घर पे रेडी कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर इस तरह नेस्टिंग मटेरियल लेके वो डाल सकते हैं, तो आपके पास बहुत ही प्यारे से बॉक्स बन जाएंगे अंडों वगैरह के लिए। ठीक है जी, तो अभी ये सारी सफाई होने लगी है, दूसरी साइड पर सफाई हो रही है, तो ये सारी सफाई हो रही है, इसलिए फ्रेम उठा कर मैंने वो सामने रखा है, सारे बर्ड जो है ना खुले हैं इस टाइम। तो बाकी इधर की सफाई होती है, ये जो बाकी घास बच गया ये मैं तोड़े में डाल के थैले में सेव कर लेता हूँ ताकि बाद में हमारे काम आ सके। तो ये मैं ना अभी ये लेके आया हूँ नया जो है ना बर्तन पिजन्स के लिए, क्योंकि इनका नहीं था बर्तन, वो मैंने जो इनका बर्तन था वो मैंने डकी गैंग के आगे रख दिया था, तो ये हम पिजन्स के लिए लेके आए हैं, तो ये हम इधर रखते हैं इनके आगे, क्योंकि जो इन वाला बर्तन था ना पिजन्स वाला वो मैंने उधर सामने रखा हुआ है डकी गैंग के। तो अभी डकी गैंग भी बंद है हमारी, फिर सिल्की हैंज भी बंद है, उनको निकालते हैं। और ये मैं कुछ फीड लेके आया था, ये मैं लेके आया हूँ खुरदम, ठीक है जी, ये वाइट कलर का होता है, ये देख लें आप लोग खुरदम, ये मैं अपनी डब्स के लिए लेके आया हूँ, ये जो जैक और फियोना, उसके बाद ये किंग एंड क्वीन जो है, अभी सब बर्ड्स को कवर किया हुआ, रात को मैं कवर कर देता हूँ, ये भी उसके बाद ये भी कवर किए हुए हैं, पिजन्स वगैरह को भी मैंने कवर किया हुआ है। जो हमारी कूंज थी वो इस रूम में बंद थी, वो मैं सुबह आके निकाल गया था, वो रही इस टाइम हमारी कूंज माशाल्लाह से इधर घूम रही है, दाना शाना मैं आगे रख गया था उनके। तो बाकी उसके बाद दूसरी फीड ये मैं लेके आया हूँ डकी गैंग और मुर्गियों के लिए, ये अंडे वाली फीड है, ठीक है ना, इससे अंडे वगैरह जो है ना
ये देना स्टार्ट कर देंगे। और ये जो है इसमें मैंने एक 14 नंबर फीड मिक्स करवाई है और मिक्स दाना जो है ना वो सारा मिक्स करवा के ये हमारे कूंज के लिए ठीक है, ताकि इससे इनका गोश्त वगैरह भी बढ़ जाए, हेल्दी हो जाए ठीक है। तो अभी जो है सब बर्ड्स को मैं निकालता हूँ बाहर, पहले तो मैं पानी रख लूँ इनके आगे, तो उसके बाद क्योंकि पानी रख के दाना रख के फिर इनको निकालते हैं। तो अभी कपड़ा उठा देता हूँ बस वहाँ आगे से ना। कपड़ा उठा देते हैं तो ये डकी गैंग इधर रहे हमारे, वाइट सिल्की को मैंने इधर बांध गया हुआ। पहले इसमें पानी डाल के इसको साफ कर लेते हैं। क्योंकि हम लोग अपने बर्तन साफ करते हैं खाने पीने से पहले, तो हमें पैट्स वगैरह के, अपने बर्ड्स वगैरह के भी साफ करने चाहिए। तो दूसरा ये मुर्गियों का पानी इधर रखा मैंने ताकि मुर्गियां पी लें। तो अभी मैं दाना रखता हूँ इनके आगे, उसके बाद जो है इनको बाहर निकालते हैं हम। ये जो अंडे वाली फीड है ना, हम ये इसके आगे इनके आगे रखते हैं आज। तो अभी अब्दुल्ला कह रहा था ये जो है इतनी खास नहीं है अंडे वाली, तो अभी आनी है 2-3 दिन तक नेशनल वालों की, तो वो फिर आप ले जाना। इस वजह से फिर मैं थोड़ी सी ले गया था, मैं चलो थोड़ी सी दे दो बस। तो अभी ये जो है हम रखते हैं अपनी मुर्गियों और डकी गैंग के आगे ताकि वो खा पी लें। पहले तो हम निकालते हैं अपनी मुर्गियां। लें जी माशाल्लाह से देख लें आप लोग, आ जाओ बाहर, मुर्गा तो आ गया माशाल्लाह से हमारा बाहर। मुर्गियां पता नहीं किधर आ गई, ये लें जी मुर्गियां भी माशाल्लाह से आ गई हैं। सुल्तान हमारे ने भी शोर डाला हुआ इसका, अभी इधर से ये जो है ना शीट वगैरह उठा दें हम। वो रहा सुल्तान, अभी जो है ये थोड़ा सा खा पी लें, उसके बाद हम डकी गैंग को निकाल देंगे क्योंकि मेल ने आगे बाहर हमला कर देना इन पे। तो अभी इनको थोड़ी देर बंद करते हैं, वो थोड़ा सा खा पी लें फिर निकाल दें। ये देखें माशाल्लाह से मुर्गियां खा रही हैं। उतनी देर दोस्तों जो है ना मैं ये जो है ना अपने पिजन्स वगैरह इनका कवर उठा के इनको भी मैं बाहर निकाल लूँ ताकि ये भी थोड़ा सा घूम फिर लें। लें जी दोस्तों पिजन्स का भी कवर जो है मैंने उठा दिया, अभी इनको निकालते हैं भाई। ये कल मैंने खुद ही बनाई थी इनके लिए ना लॉक के लिए, थोड़ी सी स्टिक बनाई थी ये साथ वायर लगा के मैंने, ताकि ये कोई भी आके इनको निकाल लेना। तो पहले भी मैंने एक दो बनाई थी, ये थोड़ी सी टाइट इसलिए बनाई है ताकि बिल्ली इसको निकाल ना सके। अब ये देखिए इन्हें निकाली है मैंने, वो साथ ही हैंग हो गई है। पहले बनाई थी मैंने तो ये साथ वायर नहीं थी लगाई, वो छोटी बच्चियाँ आती थी वो बाहर फेंक देती थी, इस वजह से ये काम अब पक्का हो गया। तो ये माशाल्लाह से हमारे पिजन्स रहे शिराजी। शिराजी जो है ना वो गंद सिल्वर जो है ना इस्लामाबाद से लाया हूँ, वो गंदे हुए हैं, तो कोई नहीं नहाएंगे तो साफ़ हो जाएंगे। जैसे ये वाइट वाले हैं ना साफ, इस तरह वो भी इंशाल्लाह साफ़ हो जाएंगे। बाकी ये मैंने आगे लगा के ना ये पैलिंग कवर कर दिया था नीचे भी, ये एक पैर इधर जाके ना बैठता था, इस वजह से मैंने इसको बंद कर दिया। तो वाइट ने वो वाला ब्लॉक लिया, सिल्वर ने ये वाला, और ब्राउन वालों ने ये ब्लॉक लिया। तो अभी जो है इनके बर्तन में हम ना पानी रखते हैं ताकि ये भी पानी शानी पी लें, फिर इनको दाना डालते हैं। बाकी हमारी वाइट सिल्की हैं जो हैं वो इस टाइम खा रही हैं माशाल्लाह मज़े से, तो खा लें। फिर हम इसके बाद डकी गैंग को भी बाहर निकालते हैं ताकि वो भी खा पी लें। आज हमने अपनी कूंज का नाम भी रखना है, मैं आपको नाम बताऊंगा। अभी जो है हम इसको इनका भी आगे से पर्दा उठा ही लें। तो ये देखें जी माशाल्लाह से इनका भी मैंने आगे से कपड़ा उठा ही दिया। किंग साहब ये रहे सामने, क्वीन साहब वो मस्त होके बैठी हुई हैं मज़े से। फोस्टर पेयर हमारे ये रहे खुमरों के, मैं आपको ये भी दिखा दें।
तो इंशाल्लाह ये भी जल्दी से एग ले कर देंगे, ये जो फोस्टर पेरेंट हमारे ये भी। तो बाकी अभी ये भी कवर मैं उठाता हूँ इनका, फिर इनका भी आपको, आप इनको भी देख लेना। सब भाई इंतज़ार कर रहे होंगे कि किधर हैं ये वाले जैक और फियोना। तो शीट वगैरह जो है मैंने वो उठा दिया, आप लोग देख लें। तो जैक साहब जो हैं वो वापस आ गए हैं, आप सोच रहे होंगे किधर गए थे, तो जैक भाई इधर ही थे, वो सामने रहे केज में, फियोना और जैक। ठीक है, ये है फियोना और वो रहे जैक साहब, और ये पिजन्स हमारा वेट कर रहे हैं कब हमें दाना डाला जाए और कब पानी डाला जाए। तो अभी सबसे पहले इनको पानी डालते हैं और दाना डालते हैं, पहले इनको दाना डालता हूँ मैं। तो दाना जो इधर सामने रूम में पड़ा हुआ है, अभी पैरट्स का आप शोर चेक करना। हाँ जी हाँ जी, आ गया हूँ आ गया हूँ। बस बस बस, सबर सबर सबर। देखें जी आप इनका शोर चेक ही आ गए, बस मुझे देख के इन्होंने शोर ऐसे में करना होता है ना, पता नहीं क्या हो गया, जैसे मैंने कुछ चोरी की। इधर आ गए, चलें जी ये हम दाना डालते हैं अपने पिजन्स को ताकि ये खा पी। तो ये रहा दाना, तो अभी हम आगे रखते हैं इनके ताकि ये खा लें। इनको अभी इधर ही दाना डालना करना ताकि ये इधर के आदि हो जाएं। ठीक है, तो अभी ये फिनिश करते हैं, तो उसके बाद इनको और दाना डाल देंगे। आप लोग बेटा उधर ही रहो, चलो इधर नहीं आना, चलो चलो शाबाश। इधर अभी जो है मैं डकी गैंग को निकाल लेता हूँ बाहर, ताकि वो भी बाहर आ जाए। काफ़ी बेचैन हुए पड़े हैं बाहर आने के लिए। तो अभी जो है ये फ्रेम आगे कर देता हूँ, क्योंकि अभी डकी गैंग को भी निकाल लिया, दाना भी रख दिया, पानी वगैरह भी मैंने रख दिया आगे। तो ये आ गया जी डकी गैंग बाहर, अभी इनकी मस्तियाँ चेक करें आप, मस्तियाँ देखें आप लोग इनकी। तो अभी मैं फ्रेम आगे कर दूँ, पिजन जो हमारे तो मज़े से दाना खा रहे हैं, कूंज भी उस साइड पे आ गई हैं। तो अभी मैं जो है पानी ले आऊँ उधर से, और पिजन्स के आगे मैं पानी वगैरह भी डाल लूँ। ठीक है, कूंज हमारी वो घूम रही हैं माशाल्लाह से, आप देख लें। तो आज इनका भी नाम हम रखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने ना पानी वगैरह ये रख दिए इनके आगे, आप लोग देख लें, दाना वगैरह भी माशाल्लाह से खा रहे हैं, पानी भी मैंने इनका चेंज कर दिया। तो उसके बाद जैक फियोना का भी मैंने पानी चेंज कर दिया, और सामने जो हमारे फोस्टर पेयर हैं उनका भी पानी चेंज करके दाना रख दिया। किंग और क्वीन का भी पानी चेंज करके आगे मैंने दाना रख दिया। कूंज को मैंने थोड़ी देर के लिए बंद किया था ताकि मैं बर्ड्स को उधर से पानी ले कर आना होता है, तो इस वजह से मैंने इनको थोड़ी देर के लिए बंद किया था ताकि मैं पानी वगैरह कर लूँ, उसके बाद मैं इनको निकाल दूँगा। तो अभी हम अपने चिली मिली को बाहर निकालते हैं, तो इनका भी पर्दा हम उठाते हैं जी। माशाल्लाह से हमारी डायमंड डाइव रही, कल ये जो फीमेल है ना वो मैंने नेस्ट उतारा हुआ था इनका ना, वो जो है ऊपर नेस्ट बनाया था, ये बोतल में गिर गई हुई थी जो कट करके लगाई हुई है। तो अभी हम अपने चिली मिली को बाहर निकालते हैं ताकि ये भी थोड़ा सा घूम फिर लें और खा पी लें कुछ। माशाल्लाह से आप इनकी स्पीडें चेक करें हमारी चिली मिली की, माशाल्लाह। चलें ये भी थोड़ा सा घूम ले, दाना शाना खा लें ये भी, तो फिर इनको बंद करके हम नीचे चले जाएंगे। फियोना जो है इस टाइम अकेली नीचे घूम रही है। तो बाकी ये जो दाना वगैरह है ना ये मैं कूंज के आगे डालता हूँ, फिर इनको भी कूंज को भी मैं ना बाहर निकालता हूँ। ये भी हम अपनी कूंज के आगे दाना डालते हैं, कि कूंज को बाहर निकाल देते हैं। इनका बर्तन वो मैंने सामने रखा हुआ है, ये इनका पानी है और ये इनका दाना वगैरह। तो भी थोड़ा सा और दाना डालते हैं इसके अंदर ना, चिली मिली ये रहे,
उधर जाके खाओ पियो उधर पिजन्स के साथ। ये डकी गैंग जो है ना वाइट सिल्की को बहुत तंग कर रहा है। अगर इसने तंग इस तरह ही करना स्टार्ट रखा ना तो मैंने डकी गैंग जो वो सेल कर देना, क्योंकि गंद भी इनका ज़्यादा है और वाइट सिल्की मुर्गियों को बहुत ज़्यादा तंग कर रही है ये। देखते हैं दो तीन दिन तक अगर ये एडजस्ट हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर डकी गैंग इधर से हम भेज देंगे। अभी थोड़ा सा और दाना डालते हैं जल्दी से कूंच को और फिर उनको बाहर निकालते हैं हम। इसके अंदर ना मिक्स दाना दालें वगैरह और 14 नंबर फीड है मिक्स करवाई है मैंने, जो कि गोश्त वगैरह बढ़ाएगी, इनका मोटी हो जाएंगी माशाल्लाह से, हेल्दी हो जाएंगी। तो अभी काफ़ी है डाइट इनके लिए, तो अभी हम जल्दी से अपने जैक और कूंच को निकालते हैं बाहर और उनका नाम भी रखते हैं साथ में, आपको भी बताते हैं हम। चिली मिली वो देखें जी पिजन्स वाले बर्तन में, ये सब के लिए इधर जो बर्ड्स घूमेंगे उनके लिए पानी है। छत पे अगर कोई बर्ड आता है वो भी इधर से पानी पी सकता है, अगर कूंज इस साइड पे आती हैं तो वो भी इधर से पानी पी सकती हैं, ठीक है। तो अभी हम जल्दी से अपनी कूंज को निकालते हैं बाहर। तो ये देखें जी माशाल्लाह से कूंज हमारी जो है इस टाइम दाना खाने में मसरूफ़ है, काफ़ी मज़े से खा रहे हैं। वो पीछे मेल खड़ा है और दूसरी फीमेल वो पीछे कॉर्नर में होनी है, इस टाइम जो है ना फीमेल खा रही है। तो माशाल्लाह लाजमी बोल दिया करें आप लोग, और आज से हम इनका नाम रख देते हैं, तीनों का एक ही नाम होगा, जैसे हमने डकी गैंग का नाम रखा हुआ है ना तो इनका भी हम आज नाम रख देते हैं। मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट हम इनको उसी नाम से पुकारेंगे, कूंज नहीं बोला करेंगे। तो आज से इनका नाम होगा ड्रैगन हंटर, ठीक है दोस्तों। तो लाजमी आपने कमेंट में बताना है कि कैसा नाम लगा आपको। मैं रिपीट कर देता हूँ, इनका नाम जो है ना आज से ड्रैगन हंटर होगा, ठीक है। तो लाजमी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी जो भाई मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अब दीजिए इजाज़त, मिलेंगे कल आपको नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।